और आगे बढ़ते हुए बड़ी और अच्छी खबर से शुरुआत कर रहे हैं, चूंकि आज महिला दिवस भी है और महिला दिवस पर पीएम मोदी ने देश की महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा दिया है, बड़ा ऐलान करके एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम कर दिए गए हैं। थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पीएम मोदी ने ये पोस्ट किया, जिसमें ये बताया गया कि 100 रुपए कम होने के बाद जो करोड़ों परिवार हैं उनका आर्थिक बोझ कैसे कम हो जाएगा। इस फैसले से नारी शक्ति को फायदा भी होगा। ये हम सब जानते हैं कि घर में जो किचन का बजट होता है वो महिलाएं मैनेज करती हैं, और मैक्सिमम केसेस में जब महिलाएं इस बजट को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो कहीं कुछ कम ज्यादा हो जाता है। ऐसे में गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम करने से सीधे सीधे फायदा महिलाओं को होने वाला है। आरजू सेठ मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई है, इंडिया न्यूज संवाददाता दिल्ली से लाइव। आरजू, आज विमेंस डे हम लोग मना रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने यह दिन खास कर दिया है देश की सभी महिलाओं के लिए। जी बिल्कुल रचना, देखिए सबसे पहले तो आपको हैप्पी वुमेन्स डे, और जिस तरीके से सुबह सुबह प्रधानमंत्री की तरफ से जो तोहफा है वो महिलाओं को दिया गया है, और इसी के साथ ही 2 दिन में 2 बड़े तोहफे जो है वो महिलाओं को दिए गए हैं। एलपीजी सिलेंडर पे 100 रुपए कम जो है वो कर दिए गए हैं, और उन्होंने बताया किस तरीके से इससे करोड़ों फैमिलीज जो है उनको इसका फायदा पहुंचेगा, ईज ऑफ लिविंग में मदद मिलेगी, और इसी के साथ ही नारी शक्ति की बात जो है वो प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कही है। इसी के साथ ही इस पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं, कुछ गर्ल्स मौजूद हैं, उनसे भी हम इस पे रिएक्शन लेंगे, क्योंकि सबसे पहले इंडिया न्यूज ने ये खबर जो है वो ब्रेक की थी कि प्रधानमंत्री की तरफ से किस तरीके से बड़ी छूट की बात जो है वो कही गई है सिलेंडर्स पे। अभी प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि सिलेंडर्स पे 100 रुपए जो है वो कम कर दिए जाएंगे, क्योंकि इससे मदद जो है, क्योंकि महिलाएं जो है कहीं ना कहीं जो घर की फाइनेंस मिनिस्टर जो होती है वो महिलाएं होती है। तो आप कैसे देख रही है इस फैसले कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये 100 रुपये कम करे हैं तो उससे महिलाओं को बहुत फ़ायदा हो रहा है? पहले 1000 में आता था, अब उसमें से 100 रुपये कम करे हैं तो कहीं ना कहीं फायदा है, वो जरूर मिलेगी। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आपके घर में मम्मी जो है वो जरूर पूरा फाइनेंस जो है घर का संभालती होंगी, और जब इस तरीके से प्रधानमंत्री ने अब 100 रुपए जो है वो अनाउंस किया है और एक वुमेन्स डे पे इस तरीके का तोहफा जो है वो महिलाओं को दिया है, इससे मैं कहना चाहूंगी जैसे गांव-गांव में औरतें होती थी उनको जो चूल्हे से बहुत प्रॉब्लम होती थी, धुएं से तबीयत खराब हो जाती थी, तो इससे महिलाओं को बहुत राहत मिली है कि सिलेंडर उनको दिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि उज्ज्वला योजना जो है उसके तहत भी जो सब्सिडी है, रचना आपको बताएं कल कैबिनेट में ये डिसीजन लिया गया कि जो सब्सिडी है 300 रुपए की उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया, उसकी सीमा को भी बढ़ा दिया गया है, और अब 31 मार्च 2025 तक जो उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी मिला करती थी सिलेंडर पे वो भी मिलती रहेगी। तो लगातार लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके से महिलाओं के लिए 2 बड़े तोहफे जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए हैं, और आज सुबह वुमेन्स डे है और जिस मौके पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि एलपीजी सिलेंडर के दाम जो है। मोदी जब कश्मीर में थे, श्रीनगर में थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि मैं लगातार आप लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूं और ये कोशिश मेरी जारी रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि आज सुबह सुबह देश की महिलाओं का दिल जीतने का काम तो पीएम मोदी ने किया है, क्योंकि अभी आप और हम आपस में बात कर रहे हैं, आप सीधे सीधे घर घर में इस बात की चर्चा है कि सीधे सीधे 100 रुपए कम सिलेंडर पर हो गए हैं। प्रधानमंत्री कुछ अनाउंसमेंट करते हैं उसकी चर्चा जो है वो पूरे देश में होने लगती है, क्योंकि लोकप्रिय नेता ही इस तरीके से जो उनकी बात है वो पूरे ही तरफ फैल जाती है, और इसी तरीके से जो सुबह सुबह तोहफा जो है जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट की है, वाकई में मन जीतने की बात जो है जिस तरीके से आप कर रही है, बिल्कुल मन जो है कहीं ना कहीं जरूर महिलाओं का जीता होगा, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि महिलाएं जो है घर का बजट जो है जीत लिया है, और मम्मी को भी आपने फोन करके बताया है कि देखिए भाई 100 रुपए कम सीधे सीधे पीएम मोदी ने गैस सिलेंडर पर कर दिए हैं, और 100 रुपए जो है उसका फायदा नारी शक्ति ऑफ कोर्स उठाने वाली है। हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, पंकज मंडल लखनऊ से इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, सुबह सुबह ये बड़ा फैसला और राहत देश की महिलाओं के लिए। कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है, ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहुत बड़ी तोहफा दी है महिलाओं के लिए। कहीं ना कहीं जो एलपीजी पर 100 रुपये जो उन्होंने रेट घटाए हैं वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे कम से कम करोड़ों परिवार है, जो करोड़ों की संख्या में परिवार है उनको इसका लाभ मिलेगा,
और उसके बाद इसमें जो देशवासियों को एक बहुत बड़ी सौगात होगी। हम इस पर आपको बता दें कि इस खबर पर कुछ लोगों से आप बात कर लीजिए सहित पूरे देश में। जी बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा कैमरा उठाएंगे और उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर महिला लोग हैं। आज महिला दिवस है, महिला दिवस पे आप देखिए, आज महिला दिवस है और LPG गैस में 100 रुपये घटाए हैं, LPG जो घरेलू गैस है। जी आज महिला दिवस है, ठीक है, अच्छा है, बट उनको और ज्यादा घटाना चाहिए। और जगह गैस और भी ज्यादा सस्ती है, हम लोग जयपुर वगैरह गए थे, वहाँ तो 600 रुपए में सिलेंडर है, बट यहाँ तो फिर भी 900 रुपए में। उनको और कम करना चाहिए, क्योंकि हर घर में दो दो तीन तीन चीजें हैं, तो ये चीज और कम करनी चाहिए, रोज की चीजें हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि किस तरह से आज महिला दिवस है। महिला दिवस पे आप महिला दिवस पे बोलना क्या है, लेकिन आजकल जो आजकल महिलाओं को सारी सुविधाएं दी जा रही, सब कुछ दिया जा रहा है, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन और भी मुख्यमंत्री जी को हम लोगों के बारे में और भी सोचना चाहिए। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, और जहाँ पे आज हम लोग नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आते स्तर पर मतलब नहीं लाई जा पा रही। कई बार हम लोग गए लेकिन कोई इसकी सुनवाई भी नहीं हुई, और ऐसा लग रहा है महिलाओं की बातें सुनकर पंकज थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है। यानी 100 रुपए तो गैस सिलेंडर पर कम कर दिए हैं, लेकिन और जगहों पर भी राहत महिलाएं चाहती हैं, क्योंकि कुल मिलाकर चाहे वो बाहर जॉब कर रही हैं या फिर घर संभाल रही हैं, मैनेज जो घर का बजट है वो महिलाओं को ही खास तौर पर करना पड़ता है। कह रही हैं और कुछ राहत मिलती तो और ज्यादा अच्छा लगता, 100 रुपए कम किए हैं ये अच्छा फैसला है। हिमांशु जी हमारे साथ में है। हिमांशु जी, महिलाएं कह रही हैं फैसले का स्वागत है, लेकिन कहीं और भी राहत तो मिले? और भी राहत मिलेगी, मिलेगी, ये मिलेगी तब मिलेगी जबकि हम सही तरह से विकसित हो जाए। देखिए, विकास के पथ पे चलोगे तो किसी न किसी को, हर किसी को थोड़ा ना थोड़ा योगदान देना पड़ेगा। अब जो बात हो रही है कि गैस सिलेंडर के ऊपर 100 रुपए घटाए, तो विपक्ष तो उसको ऐसे ही कहेगा, काफी लोग ऐसा समझेंगे कि सिलेंडर तो 500 रुपए में मिलना चाहिए, 700 रुपए में मिलना चाहिए, 1000 में मिलता है और फिर 100 कम कर दिया, इसमें क्या हुआ। मगर यही समझने की बात है कि जब हम सर्वांगी विकास की ओर जाते हैं और जब हम समाज के एक तबके को कुछ देना चाहते हैं तो बाकी लोगों को थोड़ा थोड़ा योगदान अपना देना पड़ेगा, और इसी योगदान की बदौलत हम समाज को पूर्ण रूप से विकासशील बना पाएंगे और विकसित कर पाएंगे। बहुत सीधी सी बात है कि समाज का एक तबका आज भी ऐसा है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते कि जो आज विकास से वंचित है, वंचित तो नहीं कहूंगा मगर काफी पीछे। यानी आप ये सोचते हैं कि फैसला अच्छा है लेकिन थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन अगर देश का हर नागरिक देगा तो बहुत जल्द जो विकसित भारत का सपना है वो पूरा हो जाएगा। हिमांशु जी आप रहिएगा, आरजू आप भी रहिएगा, पंकज मंडल आपका बहुत शुक्रिया इस खबर को लेकर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।